तो वही एमसीडी में एल्डर मैन की नियुक्ति पर आज फैसला है और एलजी के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची है दिल्ली सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। एलजी की तरफ से 10 एल्डर मैन की नियुक्ति की गई थी। क्या दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डर मैन की नियुक्ति कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अपना फैसला देगा। एलजी की तरफ से 10 एल्डर मैन की नियुक्ति किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो वहीं दिल्ली सरकार का ये कहना है कि एल्डर मैन की नियुक्ति चुनी हुई सरकार ही करती रही है और इसी को लेकर के अब हर किसी की निगाहें कोर्ट की तरफ टिकी हुई हैं कि आखिर क्या फैसला इस पूरे मामले को लेकर के आएगा, क्योंकि अब तक जिस तरीके से एमसीडी में एल्डर मैन की नियुक्ति को लेकर के सवाल पूछे जा रहे थे, साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि क्या बिना सरकार की अनुमति लिए एल्डर मैन की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन अब इसी मामले पर एलजी के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची है दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला इस पूरे मामले में सुनाने वाला है। एलजी की तरफ से 10 एल्डर मैन को नियुक्त किया गया था, तो ऐसे में सवाल यही था कि क्या दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के विश्वास में लिए बगैर ही नगर निगम में एल्डर मैन की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और आज फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर कोई टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है कि आखिर इस मामले में फैसला क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि एलजी की तरफ से हर बार यह हवाला दिया जाता है कि उनके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार भी कई बार सवाल खड़े करती रही है कि आखिर इस तरीके से बार बार अगर हमारे कामों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाएगी, ना तो हमें ठीक तरीके से काम करने दिया जाता है और ना ही किसी काम में हमसे भी कोई सलाह ली जाती है। तो उपराज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, लेकिन जहां दिल्ली सरकार के भी राय मशवरे की जरूरत है, विचार विमर्श की जरूरत है, वो होना चाहिए। हालांकि जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अपना फैसला सुनाने की तैयारी में है और आज इस मामले में जब फैसला आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या उपराज्यपाल दिल्ली सरकार से बिना विचार विमर्श किए, बिना उनको विश्वास में लिए हुए और इस तरीके से 10 एल्डर मैन की जो नियुक्ति की गई है, क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, एल्डर मैन की नियुक्ति को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो पक्षों की दलीलों तो सुनी गई, लेकिन आज किस तरफ झुकाव ज्यादा रह सकता है, क्या फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद अब तक नजर आती है? जी देखिए, ये कहा जा सकता है कि आज दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि एल्डर मैन नियुक्ति को लेकर लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल में तनातनी का माहौल देखा गया था, जिसके बाद जो दिल्ली सरकार है उसने कोर्ट का रुख करा था और कोर्ट ने 2023 में इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। लगभग 14 महीने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पे फैसला देने वाली है कि एल्डर मैन की नियुक्ति का हक किसको है, कि राज्य सरकार या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल। क्योंकि लगातार देखा गया है, अगर एल्डर मैन की नियुक्ति की बात की जाए तो उसमें हमेशा दिल्ली सरकार की अहम भूमिका रहती है, लेकिन अगर पिछली बार की बात की जाए तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने 10 एल्डर मैन को नियुक्त कर दिया था। तो उपराज्यपाल को लेकर जो है, इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में सुनवाई करने वाला। और ये बात बहुत अहम आ जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी का हर तरीके से ये आरोप रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालते हैं, काम नहीं करने देते हैं, कहीं ना कहीं अगर जो काम किए भी जाते हैं जिसमें उपराज्यपाल की इजाजत की जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं उनमें क्वेश्चन मार्क अराइज कर दिया जाता है, जिस कारण से काम रुक जाता है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि जो दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल में टकराव चल रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है कि एल्डर मैन नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के हक में जाता है या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल के हक में जाता है। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।